पिछले 1 साल का गुजरात सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड क्या क्या है? 1 साल पहले हमने जो बातें उठाई, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, रादर बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों ही पार्टियां गुजरात में है। हमने कहा था कि फैसिलिटी, हॉस्पिटल की फैसिलिटी आप अपग्रेड कीजिए, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। हमने कहा था कि आप डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, सीटी स्कैन, हर जिले में सीटी स्कैन की मशीन्स भी नहीं है। गुजरात की सही मायने में रियलिटी आरटीपीसीआर की टेस्टिंग गुजरात में हर जिले में अभी तक नहीं थी, पिछले कुछ दिनों में आरटीपीसीआर की टेस्टिंग के बारे में इन्होंने काम किया। तो सवाल यह है, पिछले साल भर में गुजरात सरकार ने क्या बढ़ाया? ना हॉस्पिटल बढ़ाए, ना डॉक्टर्स बढ़ाए, ना पैरामेडिकल स्टाफ बढ़ाए, ना सही मायने में नर्सेस हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, कोई बढ़ाया नहीं। अगर कुछ बढ़ा पाए तो कांग्रेस के चंद विधायकों को बढ़ाने का काम अपने खाते में गुजरात की सरकार ने पिछले साल भर में किया। राहुल जी ने खुद कहा था कि कोरोना की सुनामी आने वाली है, इसमें ध्यान दीजिए, कोई ध्यान आपने दिया नहीं। राहुल जी ने कहा था कि वैक्सीनेशन की आप पॉलिसी बनाओ, क्या गुजरात में वैक्सीनेशन की हालत है? क्या सही मायने में वैक्सीनेशन आप कर पाए हो? तो इसका क्लियरली उत्तर है कि कुछ नहीं हुआ है। गुजरात के आज भी 14 जिले में सीटी स्कैन की मशीन नहीं है, आज भी पूरे जिले में आरटीपीसीआर टेस्टिंग हो नहीं पा रही, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, ये कल के एफिडेविट में राज्य सरकार ने माना है, जो गुजरात की हाईकोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि गुजरात के हाईकोर्ट को हरकत में आना पड़ा और ऑनरेबल हाईकोर्ट के सुमोटो जब उन्होंने दखल लिया तो उसके बाद उन्होंने माना कि ऑक्सीजन हमारे पास उतना नहीं है, मेडिकल स्टाफ की कमी है, सीटी स्कैन पूरी तरह से नहीं है। तो सवाल ये है कि 25 साल से, पिछले 25 साल से गुजरात में भाजपा की सरकार है और केंद्र सरकार भाजपा की, राज्य सरकार भाजपा की, सभी लोकल बॉडीज भी भाजपा की, फिर भी लोगों को आप मदद क्यों नहीं कर पा रहे हो? ये इसका सबसे मूलभूत सवाल है।